देखिए आज पूरी तरह से छत्तीसगढ़ में एक जन आक्रोश दिख रहा है। मोर आवास मोर अधिकार का जो ये आंदोलन भारतीय जनता पार्टी ने खड़ा किया है उन लाखों हितग्राहियों के लिए जिसका आवास भूपेश की सरकार ने छीन लिया, आज भूपेश पर ये पूरी तरह से ये उनके माथे पे कलंक लग चुका है कि छत्तीसगढ़ के गरीबों का आशियाना छीनने का काम किसी ने किया तो ये भूपेश की सरकार ने किया है। लाखों हितग्राहियों का आवास जो बनता आज गरीब जनता का उसको लौटाने का काम केवल इसलिए किया क्योंकि उनके चेहरे नहीं चमक रहे थे। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो पैसा आया उस पैसे को वापस कर लिया। उनके खुद के मंत्री टी.एस. सिंहदेव इस बात की पुष्टि कर चुके हैं कई बार। तो ऐसी सरकार को निश्चित रूप से जो जन आक्रोश पनप रहा है उसके दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश राज्य में एक आंदोलन खड़ा किया और मोर आवास मोर अधिकार के दृष्टि से सभी विधानसभा के घेराव हुए, विधानसभा के विधायकों के घेराव हुए। अब इसके बाद अगली पड़ाव में 15 मार्च को पूरे राज्य भर के हितग्राही आने वाले हैं और इस सरकार के विधानसभा के घेराव को करेंगे। इस पूरे आंदोलन की तैयारी भारतीय जनता पार्टी अपने हर एक जिला में कर रही है और कल हमने रायपुर संभाग के दृष्टि से बैठकें ली। आज दुर्ग और बिलासपुर के दौरे के अनुसार वहाँ पर कितनी संख्या में हितग्राही निकल के आने वाले हैं उसकी पूरी योजना और पूरी चर्चा करेंगे। मेरा मानना है कि जिस प्रकार से भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी हुई कांग्रेस है, जिस कांग्रेस ने इस देश को बेचने का काम किया जमीन से आकाश तक, जिसने लेटेस्ट न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और न्यूज अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।